राम राम, नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम हमें गुड न्यूज देनी है आपको। जी देखिए, हमारे पीछे चेयर देख रहे हैं, और पता है हमने मोबाइल ना अपनी बेंच में रखा है। कैसे हमें मिल गई है हमारी बेंच, है? और हमारी बेंच लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है। और पता है गुड न्यूज ये है कि भी हाल ही में बेंच लाइफ भी रिलीज हुई है सोनी लिव पर। तो हम सोचे कि भैया बढ़िया है, मौके पर चौका लगाया जाए, आकांक्षा को बुलाया जाए और बात की जाए कि बेंच लाइफ कैसी कैसे। हमारी तो वही शुरुआत हो रही है, तो चलिए मुलाकात करते हैं, स्वागत करते हैं आकांक्षा का सास बहू बेटिया में। धन्यवाद। आप कैसी हैं मीनू मौसी? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? कैसे बेंच लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही बेंच लाइफ लोग देखते रहे और पसंद करते रहे। नई सीरीज है, बहुत एक्साइटेड हूँ, टीम बहुत एक्साइटेड है और 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तो उम्मीद करती हूँ कि हर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो, उसमें वो देखें। सही बात है, मतलब मानना पड़ेगा, पहले पिक्चरें आती थी हर लैंग्वेज में, अब सीरीज भी आने लगी, कैसे कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, क्यों? जी, मुझे लगता है कि कला का कोई कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई एक लकीर नहीं खींची जा सकती, कि कला का कोई वो दायरा नहीं होता है। तो आई थिंक जिस भी लैंग्वेज में अच्छा कंटेंट मिले, आपको देखना चाहिए। बिल्कुल सही कही। अच्छा एक बात बताइए, ये सीरीज का नाम बेंच लाइफ, नाम ही बड़ा मतलब सुनने में लग रहा है कि कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो कमाल होगा, तो इस सीरीज का नाम बेंच लाइफ ही क्यों? मेरा भी यही क्वेश्चन था। जब मैंने ये सीरीज साइन की थी, तब मुझे पता चला कि बेंच होती क्या है। अच्छा आईटी और कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री होती है, उसमें यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो बेंच पर होते हैं, जिनके पास में कोई पोजीशन नहीं होती हैंडल करने के लिए। वो बेंच पर होते हैं एज कि वो स्टैंड बाय पे है। अगर कोई वैकेंसी खाली होगी या प्रोजेक्ट वाइज उनको प्रोजेक्ट मिलेगा और तब उनको अप्रोच किया जाता है, और सबसे पहले नौकरी भी इन्हीं की जाती है। लेकिन अगर वो बेंच पे होते हैं तो उनको हर महीने सैलरी जरूर आती है, उनको करना कुछ नहीं होता है, दे आर ऑन बेंच, वो बेंच पर रहते हैं और जब प्रोजेक्ट मिलेगा तब वो करेंगे, और नहीं मिलेगा तो भी उनकी सैलरी आती रहती है। तो ये होता जी, है हमें बेंच। अभी आपका सुनकर हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया, नहीं तो हम तो सोचे थे जिनका अलग अलग कैबिन होता है, अलग से टेबल मिलती है, अलग से चेयर मिलती है, हमें लगा था कि वो बेंच लाइफ होती है, ये तो अलग ही कहानी है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपका क्या किरदार है? आपकी मतलब आपकी लाइफ बेंच लाइफ है, या आप बेंच लाइफ वालों के ऊपर एकदम बॉस बनकर लेडी बॉस है? ये जो आपने दूसरा वाला बोला है ना, बिल्कुल वैसा ही है। मैं मैनेजर हूँ और मतलब बेंचेस पे जो लोग होते हैं उनको मैनेज करती हूँ, या फिर आप कह लीजिए कि एक तरह से बॉस ही हूँ, क्योंकि और ईशा का जो कैरेक्टर है बहुत ही लीडरशिप वाला कैरेक्टर है। बहुत आज की लड़की है, हर कोई लड़की उससे कुछ ना कुछ तो रिलेट कर पाएगी, क्योंकि मैंने किया है, मेरी डायरेक्टर ने किया है। जब वो लिख रही थी ये कहानी मानसा, तब भी उन्होंने मुझे यही बोला था कि ईशा में वो खुद को भी देखती है। अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की कुछ ना कुछ उस कैरेक्टर से रेजोनेट कर पाएगी, या कुछ सोच पाएगी कि हाँ, इसमें अच्छा, मुझ में भी कुछ ऐसा है। और जहां तक और कैरेक्टर्स की बात करूं, तो हर किसी कैरेक्टर से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। आपको कभी ऐसा लगेगा, अरे मेरा दोस्त इसकी तरह है, या ये सिचुएशन तो मेरी लाइफ में भी हुई है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि बेंच लाइफ जो है, सिर्फ बेंच के बारे में नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक अपनी पर्सनल जर्नी है, उनकी एक अपनी पर्सनल सोच है, और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल अलग अलग कहानियां कैसे एक कहानी में मिलती है, ये है बेंच लाइफ। और ईशा जो है, उसकी एक पर्सनल जर्नी है, लीडर तो है वो, लेकिन उसकी पर्सनल जर्नी में वो कितनी इमोशनल है और कैसी है, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए वेब सीरीज की यही एक मतलब जितनी भी सीरीज होती है ना, सबकी यही एक खासियत होती है कि कोई किरदार को परे नहीं छोड़ते। जैसे टीवी सीरीज में क्या होता है ना, एक किरदार खाली तमाशा करने के लिए आता है, बाकी दिन सुप्त ज्वालामुखी की तरह एकदम शांत रहता है। लेकिन वेब सीरीज में हर एक किरदार का एक इम्पोर्टेंस है, हर एक किरदार की एक मतलब का कहते हैं कहानी है, जिससे दर्शक जुड़ जी जाते हैं। अच्छा ऐसे आपने बताया कि ईशा में आप अपने आप को भी देखी है, तो ऐसा कौन सा सीन है जहां पर आकांक्षा को लगा कि नहीं, ईशा ही आकांक्षा है और आकांक्षा ही ईशा है? ऐसे, मतलब आप बोल रहे हैं तो मुझे अभी गूजबम्स हो रहा है। एक सीन था जो हमने बहुत एक्सटेंसिवली शूट किया था, वैसे तो देखा जाए तो, कि हमारा जो मेरा क्लोज शॉट था वो बहुत लंबा था, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, एडिट में निकलता है, ये निकलता है। तो एक सीन है जहाँ पे वो चर्च का सीन है, और एक फादर अपनी बेटी के लिए, जिसकी शादी हो रही है, उसके लिए कुछ बोल रहे हैं, और मुझे उसका रिएक्शन देना था।
तो जब ये सीन स्टार्ट हुआ था तब एक्चुअली मैं वो सीन फील कर पा रही थी, और बिना ग्लिस के जो मैं रोई हूँ और जो मेरा दिल यहाँ तक गले तक आया, बिकॉज उससे पहले ही मैंने अपने फादर को खोया था. मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, और जब मैं वो सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पापा ही मुझे बोल रहे हैं. तो मेरे लिए बहुत अरे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इमोशनल पल था. एंड कट के बाद भी मेरी डायरेक्टर की आंखों में आंसू थे, वो बाहर आई मेरे पास में, एंड मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. मतलब मैं अपने आप को चुप ही नहीं करा पा रही थी. एंड देन अगला सीन था, उसके बीच में टाइम था, सो मैं गई, मैंने अपने आप को शांत किया, मैं नॉर्मल हुई. उतना वो पार्ट नहीं दिखाया गया है सीरीज में, बट मैं हमेशा ये मेमोरी अपने पास रखूंगी, बिकॉज बहुत कम मौका मिलता है जब आप कैरेक्टर और आप खुद में वो जो लाइन होती है वो आप कहीं ब्लर कर देते हैं, और आप वो कैरेक्टर की तरह एक्चुअली में जीने लग जाते हैं. तो वो पल मेरे लिए एक ऐसा था. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है राजेंद्र प्रसाद गर्व के साथ में, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दो एक्टर्स के बीच में जब गिव एंड टेक होता है और जो ब्यूटी निकल के आती है सीन में, उसका मजाक अलग है. तो जब ऑडियंस देखेगी तो उनको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. अरे वाह, देखिए जैसे कि आपने जिस सीन के बारे में बात कही, आज तक सिर्फ कलाकार अपने एक्टिंग के जरिए दर्शकों को कहानी बताते हैं और दर्शकों को अपना एहसास दिलाते हैं कि भाई ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आज पता चल रहा है कि एक कलाकार भी सीन के दौरान अपने आप को जोड़ लेता है और असलियत में आंसू भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बेंच लाइफ, मतलब ये तो आपने बताया कि ये कहानी बेंच लाइफ किन लोगों के ऊपर है, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारी जिंदगी में बेंच कभी जाती ही नहीं है, बेंच तो हमेशा रहती है, LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक, सही कही कि नहीं? वो भी बिल्कुल हमारी सही लाइफ होती है। या बिल्कुल सही बिल्कुल सही. अच्छा, जब बेंच लाइफ आपके सामने आई कि चलो बेंच लाइफ में आपको आना है, तो उस समय आपने कहानी सुनी जानी, तो ऐसी कौन सी थी बेंच लाइफ की कहानी में बात कि आपको उसने खींच लिया अपनी ओर? एक तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब किरदार एक औरत लिखती है या एक लड़की लिखती है ना, एक फीमेल राइटर अगर फीमेल कैरेक्टर लिखती है तो उसकी ब्यूटी बहुत अलग होती है. एंड जब मानसा ने ये कहानी लिखी थी और जब उसने मुझे मेरा कैरेक्टर समझाया था या सुनाया था, बहुत ही खूबसूरती से उसने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया था. और बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है ये, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं अगर आप देखेंगे तो. और उसी लेयर्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे ये निभाने को मौका मिलेगा. शायद ये इतनी सारी चीजें ये बोलती नहीं होगी या बयान नहीं कर पाती होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि क्या है ईशा. अच्छा वैसे देखिए, ट्रेलर हम जितना देखे ना, उसमें ईशा का जो अंदाज नजर आया हमारे सामने, देखा जाए तो उसे देखकर तो सब यही बोलेंगे बड़ी खड़ूस बॉस है, हर ऑफिस में होता है खड़ूस बॉस, तो उनका अंदाज देखकर तो यही लगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा उनके लेयर्स होंगे, तो उसमें से एक एक ऐसा लेयर बताइए जो आकांक्षा को सबसे ज्यादा पसंद आया, एक लेयर। एक बॉन्ड जो अपने फादर के साथ शेयर करती है, वो आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल था. और कहानी में आप अलग अलग चीजें देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे, उनकी स्टोरी देखेंगे, लेकिन जहां वो एक ये कैरेक्टर एक ठहराव लेके आता है कहानी में, सब कुछ जो है शो में बहुत यंग एनर्जी है, लेकिन जैसे ही ये कैरेक्टर आता है तो आपको एक ठहराव महसूस होता है कि आपको लगता है कि हाँ अभी ब्रीदिंग स्पेस है, अभी सब कुछ फट 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 कॉमिक वे में चल रहा था, लेकिन एक इमोशनल एंगल भी है, एक इमोशनल इमोशन भी जुड़ा है. और इसीलिए मैंने सब मैं यही कहती आ रही हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये शो देख सकते हैं. ये इतना खूबसूरत शो है कि आपके मदर फादर भी हंसेंगे इसे देखकर, अगर आप कपल हैं तो भी हंसेंगे, या आप उसको फील करेंगे इमोशन को, या आप अपनी कॉलेज लाइफ में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, आप वर्किंग हैं, किसी भी आप किसी भी एरिया में हैं, लेकिन आप जरूर एंजॉय करेंगे इसे. अरे वाह, मतलब ऐसी कहानियां बननी चाहिए कि भैया परिवार समेत बैठ के देखी जा सके और ये लग भी रही है एकदम क्लीन एंड क्लियर टाइप की। अच्छा, एक चीज और जी जानना चाहेंगे, अच्छा हीरोइन तो मतलब जब आपने चाहा, जब स्ट्रगल किया तब बनी, उससे पहले जाहिर सी बात है आपने आम नौकरी भी की होगी, तो कहीं ऐसा लगा कि ऐसी लाइफ होती है बेंच लाइफ भी? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मतलब नहीं मिल पाया मेरा मौका। इससे पहले हाँ मतलब इससे पहले तो मुझे नहीं पता था, जैसे मैंने आपको बोला कि लेकिन एक बात जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि जैसे बेंच पे लोगों की वेटिंग होती है,
जो वो वेट करते हैं कि हमको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, हम एक्टर्स की लाइफ में भी वेटिंग होती है, हम भी बिल्कुल वेट करते बिल्कुल हैं कि हमें नया प्रोजेक्ट कब मिलेगा, अच्छा अभी काम नहीं है। बस उनको ये फायदा होता है बेंच वालों को कि उनको पेमेंट मिलती रहती है, हमें वेट करने की पेमेंट नहीं मिलती। सो आई थिंक वो मैं बोल सकती हूँ। उसके अलावा तो आई ऐसा कभी मौका मिला नहीं, मतलब कॉरपोरेट जिंदगी इतने क्लोज से देखने का मुझे कभी, मतलब क्योंकि काम नहीं किया, 9 to 5 जॉब का आइडिया नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूं पर जहां मैं हूं। सही बात है। एक बात बोले, भले ही आपको 9 to 5 का एक्सपीरियंस ना मिला हो, लेकिन एक कलाकार बनकर आपने सभी एक्सपीरियंस ले लिए, चाहे वो 9 to 5 हो, चाहे बिल्कुल वो देश प्रेमी हो, चाहे कुछ हो। मतलब एक कलाकार बनकर इंसान डॉक्टर भी बन जाता है, वकील भी बन जाता है और पुलिस भी बन जाता है, क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह। अच्छा ठीक है, ये तो रही कहानी बेंच लाइफ की। अब बेंच लाइफ के अलावा भी आकांक्षा, देखिए दर्शक हमेशा उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा जब भी आएंगी नए अंदाज में आएंगी, नई कहानी के लेकर आएंगी और नए तरीके से लेकर आएंगी जो डिफरेंट होगी। तो अब इसके अलावा क्या, बेंच लाइफ के अलावा क्या? इसके अलावा आप मुझे बहुत जल्द एक्शन करते हुए देखेंगे, अरे वाह, और जो मैं कर रही हूँ वो हिंदी का है प्रोजेक्ट, और आई होप कि वो जल्दी आए और आपको फिर हम ऐसी बात कर रहे होंगे शायद। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस प्रोजेक्ट के लिए। मैं उसके ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्शन करने का मौका मिल रहा है और कुछ ऐसा प्ले करने का मौका मिल रहा है जो आज से पहले मैंने नहीं किया, तो एक्साइटेड हूँ और बस वेट वेट नहीं कर पा रही हूँ कब वो बाहर आएगा। अच्छा हमें याद आ रहा है पिछली बार हम आपकी मुलाकात हुई थी ना डिजिटल के माध्यम से, तभी हमने आपसे पूछा था कि ड्रीम रोल क्या कहेंगे कांक्षा का, तो कहीं ना कहीं आपने यही चीज बताई थी कि मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं, ऐसा रोल मिला, हमें लगता मिल गया। हाँ बोल सकते हैं कि चल रही है मैनिफेस्टेशन, तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, वो तो चलती रहनी बिल्कुल चाहिए, वो भूख तो कभी बिल्कुल खत्म ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि जो सोचा था उसके करीब तो आ ही रही हूँ, तो चलिए। फाइटिंग का, तो फाइटिंग करने का अंदाज, मतलब कहते हैं ना सपना और ड्रीम तो पूरा हो रहा है। अब एक के अलावा नेक्स्ट ड्रीम क्या है आकांक्षा का, किस तरह का किरदार आकांक्षा निभाना चाहेंगे? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बायोपिक करूं। मैं बायोपिक करना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं अभी भी मैनिफेस्टेशन चल रहा है मेरा कि मैं एक वॉरियर प्रिंसेस का रोल करना चाहती हूँ, और जहाँ पे मुझे घुड़सफारी करने का मौका मिले और स्वॉर्ड्स चलाने का, तलवारबाजी करने का मौका मिले। तो मैं विश यही कर रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिले। देखिए भगवान ने धीरे धीरे इच्छाएं पूरी करना शुरू कर दिया। भगवान ने बोला पहले हाथ पैर चलाओ, बाद में तलवार और घुड़सवारी करना, क्यों? चलिए बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। देखिए हम तो यही कहेंगे कि इतने अच्छे मौके पे हमारी मुलाकात हो रही है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी के ऊपर है, हम तो यही दुआ जी, करेंगे कि उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप एक वॉरियर प्रिंसेस के बिल्कुल, तौर पर नजर आए किसी नए थैंक यू थैंक एपिसोड, क्या कहते हैं, हिस्टोरिक शो में। यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा, वाकई आपसे बात करके एकदम दिन बन जाता है, लाइव हो जाता है एकदम दिन। बस मुझे भी यही फील होता है आपसे बात करके। मैं उम्मीद चलिए, करती अरे हूँ कि मीनू मौसी से अलग से मिलने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, बस हमें मौका चाहिए, एक बार मौका मिलेगा मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, और हम सोचते हैं कि इस बार आपके बिल्कुल, सेट पे आके मिलेंगे ताकि अरे आपका कैमरे प्लीज आइए, के पीछे का भी रूप देखने को मिले दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज आइए, प्लीज आइए। चलिए फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही, अभी तो हमें पता ही चल गया है जल्दी एक नए वॉरियर रूप में आने वाली हैं आप, तो फिर जी मुलाकात करेंगे बिल्कुल, और फिर उस एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।